हाय फ्रेंड्स, मैं वरुण गिरी और आपके अपने चैनल टेक्निकल कंसल्ट नाम का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा वीडियो नंबर 21 है एचवीएसी सिस्टम ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और आज हम देखेंगे कि एचवीएसी सिस्टम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन किए जाते हैं। मीन्स ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये ऑपरेटिंग डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। मीन्स हमारा जो सिस्टम कंस्ट्रक्ट हो जाता है, वैलिडेशन हो जाता है उसका, फिर उसके बाद उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने चाहिए, उसको रखना चाहिए जो वेंडर को प्रोवाइड करना है या फिर वैलिडेशन एजेंसी को प्रोवाइड करना है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसके अंदर क्या क्या मेंशन होते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जनरली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं एचवीएसी सिस्टम कंस्ट्रक्शन होने के बाद, ये तीन डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं वेंडर को या वैलिडेटिंग एजेंसी को। फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है डिजाइन क्वालिफिकेशन, देन ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, देन परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिजाइन क्वालिफिकेशन क्या होता है और इस डिजाइन क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स होता है इसमें क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या मेंशन होता है और इस उसका पर्पस क्या होता है डिजाइन क्वालिफिकेशन का। तो आइए हम देखते हैं। तो जो डिजाइन क्वालिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे सिस्टम के आइडेंटिफिकेशन होते हैं, उसका फंक्शन होता है, सिमेट्रिक डायग्राम्स होता है, सेंसर और डैम्पर्स के वॉल के पोजीशन होते हैं शो किया जाता है उस डायग्राम के अंदर, एंड जो क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उसका फेयर और सेफ पोजीशन, मीन्स उसके रेंज उसमें मेंशन होते हैं कि इसका टेम्परेचर का रेंज इतना है इस एरिया में और इस एरिया में रिलेटिव ह्यूमिडिटी का रेंज इतना से इतना है, मीन्स उसके रेंज उसमें मेंशन होते हैं। फिर जो डिजाइन क्वालिफिकेशन होता है उसमें क्या होता है, लेआउट प्लान्स होता है, उसमें लेआउट प्लान्स को शो किया जाता है हर एक रूम का और हर एक एरिए का, और वो उस ड्राइंग में लेआउट प्लान के अंदर सारे क्रिटिकल पैरामीटर्स को भी मेंशन किया जाता है, शो किया जाता है। उसमें क्रिटिकल पैरामीटर्स कौन कौन से शो किया जाता है, जैसे कि रूम टेम्परेचर, रूम ह्यूमिडिटी, जैसे कि लेआउट प्लान है तो उसके उस प्लान के अंदर पूरा जो लेआउट प्लान के अंदर पूरा फैक्ट्री का ड्राइंग होता है, उसमें हर सारे एरिया अलग अलग शो किए जाते हैं, जैसे कि ब्लेंडर रूम, ग्रानुलेशन एरिया, डिस्पेंसिंग एरिया, सैम्पलिंग एरिया, और उस ड्राइंग के अंदर ये क्लियरली मेंशन होता है कि ग्रानुलेशन एरिया में टेम्परेचर किस से कितना रेंज में चाहिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितने से कितने रेंज में चाहिए, और रूम प्रेशर एंड डिफरेंशियल प्रेशर बिटवीन रूम एंड रूम पैसेज, उसमें ये भी शो कराता है कि इस एरिया से इस एरिया में के बीच में कितना डिफरेंशियल प्रेशर होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन होता है। प्रोसेस इक्विपमेंट लोकेशन एंड पावर इनपुट्स, उसके अंदर ये भी शो किया जाता है कि इस जो ग्रानुलेशन एरिया है, तो ग्रानुलेशन एरिया में उस बिल्डिंग के अंदर ग्रानुलेशन एरिया का लोकेशन कहाँ है, उसका रूम कहाँ है, और उस रूम के अंदर जो प्रोसेस मशीन है जैसे कि RMG किस पोजिशन पर है, BD किस पोजिशन पर है, ब्लेंडर किस पोजिशन, ब्लेंडर में ब्लेंडर किस पोजिशन पर है, और वाइब्रेटरी शिफ्टर किस पोजिशन पर रखना है, तो ये सारे इक्विपमेंट का लोकेशन उसमें क्लियरली मेंशन होता है एकदम एक्यूरेटली मेजरमेंट के साथ। ओके, उसमें ये भी मेंशन होता है कि इस यूनिट के लिए, जैसे कि RMG के लिए कितना पावरिंग, कितना HP का मोटर है तो उसमें कितना पावर कंज्यूम होगा, विद देन FPD में कितना पावर कंज्यूम होगा, ये भी उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है। देन क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, रिकॉर्डर्स एंड अलार्म्स, मतलब क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि फायर अलार्म्स अगर उस रूम के अंदर है तो वो भी उसके अंदर मेंशन होता है, अगर कैमरा उस रूम के अंदर फिट हुआ है तो कैमरे का पोजीशन भी उसके अंदर मेंशन होता है कि इस पोजीशन पे कैमरा है। ओके, अगर कोई रिकॉर्डर है, अलार्म है तो वो भी उसके अंदर मेंशन रहता है, शो किया जाता है कि इस पोजीशन पे इस रूम के अंदर ये अलार्म है। ओके, देन जैसे कि यहाँ इसके अंदर इक्विपमेंट परफॉर्मेंस एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर फैंस, फिल्टर, कूलिंग कॉइल्स, हीटिंग कॉइल्स, मोटर्स एंड ड्राइव्स, इसके अंदर जो इक्विपमेंट का जो ड्राइंग होता है उसका परफॉर्मेंस भी उसमें मेंशन होता है कि इसका कैपेसिटी इतना है और इतने स्पीड से चलेगा, देन कूलिंग कॉइल, हीटिंग कॉइल्स, उसका भी रेटिंग स्पेसिफिकेशन उसके अंदर मेंशन होता है। देन होता है डक्ट एंड पाइप लेआउट शोइंग एयर इनलेट्स एंड आउटलेट एयर क्वांटिटीज, वाटर फ्लोस एंड प्रेशर, इसके अंदर जो डक्ट का लेआउट भी मेंशन होता है, शो किया जाता है इस HU का डक्ट का लेआउट इस तरह से है, उसका एयर इनलेट्स यहाँ पे, एयर आउटलेट यहाँ पे, इतना एयर मीन्स
इतना CFM एयर इसके डक्ट के थ्रू पास होगा, रिटर्न में इतना, रिटर्न डक्ट में इतना क्वांटिटी का एयर रिटर्न आएगा। देन इसके अंदर वाटर फ्लो का डायग्राम भी उसके अंदर होता है। जैसे कि वाटर फ्लो में जैसे दो वाटर होता है, एक प्यूरिफाइड वाटर होता है, एक रॉ वाटर होता है। तो वह प्यूरिफाइड वाटर का लूप है वो किस तरह से सेट किया गया है, मीन्स किस किस एरिया में जाता है, उसका फ्लो का डायरेक्शन किस तरह से, मीन्स फर्स्ट किस एरिया में, ग्राउंडेशन में जाता है, बिन वॉशिंग में जाता है, फिर QC में जाता है, देन माइक्रो में जाता है, तो ये पूरा उसमें मेंशन होता है कि उसका डायरेक्शन का फ्लो किस तरह से अरेंज किया गया है। देन एयर लेवल भी, एयर का जो कंप्रेस्ड एयर है उसका भी लाइन डायग्राम उसके अंदर दिखाया शो किया जाता है कि जो हमारा कंप्रेस्ड एयर का लाइन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और किस तरह से उसको अरेंज किया गया है। ओके, देन उसमें अंदर कंट्रोल सीमेटिक्स एंड कंट्रोल पोजिशन, जो हमारा इलेक्ट्रिकल डायग्राम होता है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, उसका सीमेटिक डायग्राम भी दिया जाता है उसमें, कैसे कंट्रोल करना, कंट्रोल सिस्टम कैसा है उसका और उसको कंट्रोल करने के प्रोसीजर कैसे हैं। ओके, तो ये सब सारी बातें इसके अंदर डिजाइन क्वालिफिकेशन के अंदर होता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें और शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।